गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ टर्म टू योर एसएसटी बुक. आवर फर्स्ट चैप्टर इज सॉइल ऑफ इंडिया. फर्स्टली आई विल रीड द लेसन एंड यू ऑल विल लिसन केयरफुली. सो ओपन योर बुक पेज नंबर 225. सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टियां. तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सॉइल होती क्या है, मिट्टी होती क्या है. तो जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो सबसे ऊपरी लेयर है, लेयर मीन्स परत, जो सबसे ऊपरी परत है वहाँ पे वो मिट्टी है. अब मिट्टी बनती कैसे? जो मिट्टी जो है, जो जब हमारी रॉक्स हैं तो टूट जाते हैं, तो उनके छोटे छोटे कण होते हैं, ट्री पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियाँ वगैरह जो मिल जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, तो उन सबसे मिल के जो है मिट्टी बनती है. अब नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 26, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, की मिट्टियों के प्रकार, की मिट्टियाँ जो है कितने प्रकार की होती है. तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स. जो सॉइल्स होते हैं वो बहुत प्रकार की होती है. फर्स्ट है एलुविलियल सॉइल्स, लैक सॉइल्स, रेड सॉइल्स, लैटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डिजर्ट एंड सैंडी सॉइल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एलुविलियल सॉइल्स. जो एलुविलियल जो सॉइल्स होती है उसको हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी. अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है. फर्टाइल्स होते हैं मतलब कि बहुत ही उपजाऊ है. इस मिट्टी में जो हर एक चीज़ जो है पैदा हो जाती है. हमारे जो कोई भी क्रॉप्स हैं वो सारी जो है इसमें जलोढ़ मिट्टी में पैदा हो जाती है. और ये जो जलोढ़ मिट्टी एलुविलियल सॉइल्स है, ये हमारे इंडिया के नॉर्दर्न साइड पाई जाती है, मतलब कि उत्तरी भारत में जो है ये मिट्टी पाई जाती है. और इसमें होती है वीट, जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, कॉटन या पर्ल्स, ये सारी जो फसलें जो है एलुविलियल सॉइल्स में होती है. नेक्स्ट है हमारी ब्लैक सॉइल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं काली मिट्टी. अब ये जो काली मिट्टी है, जो हमारे वोल्केनो जो ज्वालामुखी होता है उससे जो विस्फोट होता है, ठीक है, तो उससे जो लावा निकलता है, जो लावा होता है रेड कलर का होता है, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है. अब उसी जो लावे से जो ये काली मिट्टी बनती है. और ये काली मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें जो मेन जो क्रॉप्स होती है वो होती है कपास, जिससे कि हम कॉटन लेते हैं. अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास रेड सॉइल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल मिट्टी. अब जो रेड सॉइल जो है इसमें जो है मॉइस्चर जो है बहुत कम होता है, जो रेड मिट्टी, ठीक है, तो इसमें जो मॉइस्चर होता है मॉइस्चर को बोलते हैं हिंदी में नमी. पानी को सोखने की क्षमता, जो बहुत कम होती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके लिए जो पानी जो है मेन सोर्स होता है बढ़ने के लिए, ठीक है. तो ये जो मिट्टी पाई जाती है ये होती है पाई जाती है तमिलनाडु और कर्नाटक में. लेकिन इंडिया के कुछ और स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, झारखंड, वहाँ पे भी जो है रेड मिट्टी पाई जाती है. और इसमें रेड मिट्टी में जो मेन्स होते हैं मूंगफली होते हैं, ग्राउंड नट्स होते हैं, वीट्स होते हैं, कॉटन, ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं. नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लैटराइट मिट्टी. लैटराइट मिट्टी को जो हिंदी में हम लैटराइट ही बोलेंगे. अब जो लैटराइट मिट्टी होती है इसमें जो लीचिंग ऑफ प्लेस ऑफ हैविंग रेनफॉल, मतलब कि जो लैटराइट मिट्टी उन स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पर जो बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा होती है, और ये पानी को ज़्यादा सोखती है. और इस मिट्टी में जो मैक्सिमम जो कहते हैं शुगर केन होते हैं या ग्राउंड नट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये पाई जाती है महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास माउंटेन सॉइल, मतलब कि पर्वतीय मिट्टी. अब ये जो पर्वतीय मिट्टी जो है ये मतलब हिली एरिया में पर्वतों पर ही पाई जाती है. और इस मिट्टी का जो निर्माण होता है ये होता है ह्यूमस से. अब ह्यूमस क्या होते हैं? ह्यूमस होते हैं कि जैसे कि हमारे जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, या ट्रीज की पत्तियाँ जो लीव्स होते हैं वो गिर के मिट्टी में मिल जाती है. जो ह्यूमस कोई जानवर है वो मर जाते हैं तो वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं, तो जिससे कि जो ह्यूमस बनता है और ये मिट्टी जो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है. और ये जो मिट्टी पाई जाती है ये हिली एरिया में पाई जाती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ पहाड़ी इलाकों में जो इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है. और इस मिट्टी में जो मेन जो है कॉफ़ी ट्री या स्पाइसी मसाले वगैरह होते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास है डेजर्ट या सैंडी सॉइल, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे रेगिस्तानी या रेतीली मिट्टी, ठीक है. अब ये जो सैंडी जो सॉइल है ये पाई जाती है, सैंडी मीन्स रेत, जो रेत जहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा होगा तो ये पाई जाती है राज
स्थान में। अब ये जो मिट्टी होती है बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती, यहाँ पे इस मिट्टी में फसल नहीं होती है। अगर फसल हमें जो है उगानी होती है कोई भी क्रॉप्स, तो इसको हमें मिट्टी को जो है इरीगेशन, मिट्टी की जो इरीगेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मिट्टी की जो इरीगेशन करेंगे तभी जो है ये क्रॉप्स होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। इसको सॉइल इरोजन होता है, इसको हम मृदा अपरदन बोलते हैं। अब जो सॉइल इरोजन है, मृदा अपरदन है, ये कैसे होते हैं? अब मृदा अपरदन जो है कई कारणों से होता है, ठीक है। जैसे कि बारिश के थ्रू, बाढ़ जाते हैं, या फिर तेज हवाएं चलते हैं, जो हमारी अर्थ के ऊपर जो मिट्टी की जो लेयर है वो उड़ जाती है, जो फिर जो मिट्टी की जो उपजाऊ तत्व है यानी कि फर्टिलाइजेशन है जो मिट्टी का, वो मतलब खत्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है कि जो हमारा सॉइल इरोजन है इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, मतलब मृदा अपरदन है इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो फर्स्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए। अब ट्री लगाने से क्या, जो ट्रीज की जो जड़ें होंगी, ठीक है, रूट्स होंगे, तो वो मिट्टी को पकड़ रखेंगे। जो बाढ़ है या फिर हवा ज़्यादा वगैरह चलती है, तूफान ज़्यादा आता है, तो उससे जो हमारी जो मिट्टी नहीं रहेगी। और नेक्स्ट है कि जो हमारे खेत वगैरह वहाँ पे सारे पे किनारे पे जो मेड़े वगैरह बनाते हैं वो बनानी चाहिए, ये नदी है नदियों पे बांध बनाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा पानी आएगा, बाढ़ आ जाएगी, तो जो बारिश का पानी होगा नदियों में ज़्यादा आएगा, तो जिसके वजह से उसमें सिल्ट, एसिल्ट मीन्स मिट्टी जो बह के आएगी वो नीचे बैठ जाएगी और पानी पानी चला जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सॉइल्स ऑफ इंडिया। थैंक यू।